वेलकम बैक नाजीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ और हमारे साथ ऐश मौजूद हैं और जो कि हमें बहुत ज़बरदस्त ब्यूटी एडवाइस दे रही हैं बालों के बारे में, स्किन के बारे में और अपनी रंगत को कैसे हम निखरा रख सकते हैं, निखार सकते हैं और उसको बरकरार रख सकते हैं, आगे रिंकल से कैसे बचाव हासिल कर सकते हैं और ब्लेमिशेस से कैसे दूर रह सकते हैं, डार्क सर्कल्स का क्या इलाज है, इलाज है भी या नहीं, बिल्कुल इलाज है। हमारे शो में हर चीज का इलाज है, ये शो आपका है और आपको हमने हेल्दी और फिट और ब्यूटीफुल रखना है। क्या ख्याल है आज? डार्क सर्कल्स की बात की, चूंकि नींद पूरी नहीं करते लोग तो डार्क सर्कल्स तो होने ही है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। यहाँ पे मैं जरा सा आपको पॉज लूंगी, यहाँ पे मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगी हमारी डिश ऑलमोस्ट तैयार हो गई। यहाँ पे चूल्हा मैं बंद करूंगी और इसमें शामिल हम करेंगे आधा टी स्पून। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, अच्छा पसंद आ रही है, आप ही को खिलाऊंगी अभी मैं। ओह गॉड। और यहाँ पे मुट्ठी भर धनिया। कल मैं अपने घर में यही डिश बनाऊंगी जरूर, बहुत अच्छी रेसिपी है और थैंक यू। और इसमें बहुत अच्छी आ रही है। दो टीस्पून बिल्कुल बारीक कुटा हुआ अदरक। अब मैं इसको एक फाइनल स्टर देके आपके लिए सर्व करूंगी। और ऐश बहुत ही जरूरी एक बात कर रही थी जो कि डार्क सर्कल, जो कि हम सबका मसला है और अगर हम नींद पूरी कर लें तो ये इससे हम निजात हासिल कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत एक आसान तरकीब भी है और ये लोग परेशान हो जाते हैं कि डार्क सर्कल्स के लिए क्रीम्स और डार्क सर्कल्स के लिए ट्रीटमेंट, ये सब नाजीन सही नहीं है। बिकॉज डार्क सर्कल्स को सिर्फ आपने मैनेज करना है, ज्यादातर हेरेडिटरी होता है, जैसा कि आप ने भी अभी कहा उसका खत्म होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप वो बिल्कुल नोटिसेबल नहीं होगा, आप नोटिस नहीं करेंगे। अगर आप खूब सारा पानी पियेंगे और थोड़ा सा खीरा लगाएंगे और टाइम पे सोएंगे, आप देखिएगा डार्क सर्कल्स का बिल्कुल मसला ही नहीं होगा। आजकल तो शेल्फ पे इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप आई क्रीम अलग जो सेपरेट मिलती है वो लगाएं, फेस पे एक डिफरेंट मॉइस्चराइजर लगाएं। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो आप आलू का जूस निकालें, पोटैटो जूस निकालें, सबसे अच्छा ब्लीच वैसे आलू है, क्योंकि आप लेट नहीं सकते ना, वो आलू के आप वो रख के आप लेट जाएं इतनी देर, टाइम किसके पास है? आप काम करते हुए, कुकिंग करते हुए तो किचन से ही आप अपनी चीजें निकालें ब्यूटी की और उसको अप्लाई करें और खूबसूरत नजर आए। पोटैटो जूस जो क्रश करें उसका जो पानी निकलेगा वो डार्क सर्कल्स पे लगा लें, जो पिगमेंटेशन है उस एरिया पे लगा के आप जो है उसे रिंस आउट कर लें थोड़ी देर में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमने ये है कि डेली क्लिंजिंग बहुत ज़रूरी होती है, वो ख़वातीन थोड़ा वाइट करती हैं क्योंकि वो दो मिनट अपने फेस को नहीं देती और फिर डिमांड करती हैं कि बहुत खूबसूरत नज़र आए, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता, आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। आप जब दूध गर्म करती हैं उससे पहले, जब ठंडा जब दूध होता है गर्म करने से पहले, उसको एक प्याली में निकाल लें अपने लिए और उसे फ्रिज में रख लें, वो आप दो तीन दिन तक यूज़ कर सकती हैं, वो आपका क्लिंजर है, आप उससे क्लिंजिंग करें। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो आप योगर्ट लें, दही लें, दही से आप क्लिंजिंग करें अच्छी तरह से, साफ करके मलाई और दही भी तो जी इस्तेमाल जी कर सकते वो डिफरेंट स्किन पे, डिफरेंट ऑयली स्किन पे जी, अगर जी, आप उसको रब करें तो सारी जो डेड स्किन है वो सारी निकल आती है, बिल्कुल एक्सफोलिएशन हो जाती है। अगर आपके एक्नी है तो आप मलाई यूज़ नहीं करें, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई, जैसे इस वेदर में जो ड्राई एरियाज हैं अगर वो हमें देख रहे हैं, जिस तरह जो बहुत ज़्यादा ड्राई, यानी हाथों पैरों पे भी आप मलाई लगा के उसको अच्छी तरह रब करें और अगर उसमें थोड़ा सा आटा मिला लें, नॉर्मल जो आटा होता है रोटी का वो मिला लें तो वो थोड़ी थिक फॉर्म में आ जाएगी, वो स्क्रब टाइप बन जाएगा और फिर जो है उससे आप एक्सफोलिएशन करें, आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी। और ये करने के बाद आपको मॉइस्चराइजर आना ज़रूरी अप्लाई करना, क्योंकि एक आप जब रब करते हैं अपनी स्किन को और फिर वो थोड़ी सी डिहाइड्रेट हो जाती है, थोड़ी सी रफ हो जाती है, तो आप मॉइस्चराइजिंग जरूर करें। और रात को भी प्लीज आप जरूर नाइट क्रीम या मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जो भी उनके पास आसानी से दस्तयाब हो और सस्ते थे, स्पेशली आज महंगाई के जमाने में तो आई थिंक हर्बल प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करना चाहिए, जो है बहुत इफेक्टिव होती है हर्बल प्रोडक्ट और कोई साइड इफेक्ट नहीं होती, हर्बल ही और यही चीजें तो प्रोडक्ट्स में खरीद रहे हैं, यही चीज प्रोडक्ट में केमिकल में मिक्स होके मिल रही है इतनी एक्सपेंसिव और हम जो है अपनी चीजों को पूछते नहीं, हम चीजें ये प्योर चीजें एग्जैक्टली बता रहे हैं और इनकरेज कर रहे हैं अपने व्यूअर्स को कि इस्तेमाल करें और कितना फर्क इन चीजों से। एलोवेरा तो स्कैल्प के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत स्कैल्प पे लगाएं बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसके ऊपर तो एक और हमारा इंशाल्लाह शो करना पड़ेगा अगले हफ्ते आपको दोबारा, इंशाल्लाह हम दावत देंगे और आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे और थोड़ा सा मजीद और डिटेल्ड बात करेंगे। टॉपिक हम स्किन और ऑफकोर्स ब्लेमिशेस और डार्क सर्कल्स जो कि एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है
जिससे बहुत सी इंशाल्लाह हम हाथ पैरों पर भी खास बात करेंगे, क्योंकि हाथ पैरों पर भी उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए जितनी आप चेहरे पर देते हैं। इसी खूबसूरत नोट पे नाज़रीन मैं आपसे लूंगी इजाजत। आपने देखा कितनी जल्दी झटपट आपकी हेल्दी डिश भी तैयार हो गई है, बीफ मद्रास, और आपके जो डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स ऑन द वे हैं, इंशाल्लाह आपको इस हफ्ते ज़रूर मिल जाएंगे। जिन जिनको नहीं मिले और जिन जिन्होंने आज कॉल किया, इंशाल्लाह वो तैयार होके कल हम इंशाल्लाह उसको ईमेल कर देंगे या बाय पोस्ट आपको भेज देंगे। जैसे जैसे आपको मिलते रहें आप हमें बताते रहिएगा। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि आपको ये आपका अपना शो पसंद आ रहा होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। खुदा